या जोहार, मैं हूं तपेश जैन, मोर साथ में है ईश्वरी कुमार नामदेव, जो आप संत रामदास वार्ड है इकर से आप जो है चुनाव की दावेदारी कर रहे हो कांग्रेस की तरफ से, अपन थोड़ा सा परिचय हो जाए ईश्वरी भाई। जी, मेरा नाम ईश्वरी कुमार नामदेव है और मैं संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 का निवासी हूं और प्रॉपरली वहीं का रहने वाला, वहीं मेरा पैदाइशी है और मैं लगभग 32 साल से कांग्रेस पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। चाहे वो दुख हो या सुख हो, मैंने पार्टी के लिए हमेशा सदैव सतत पार्टी के लिए मैंने काम किया है। काल से अभी सामान्य वार्ड होगी से आप मन के 25 नंबर वार्ड सामान्य हो गया, सामान्य पुरुष से जी। इधर पहले कौन पार्षद है वहाँ से? अभी वर्तमान में कांग्रेस का ही पार्षद है और ठीक है। अभी वर्तमान में अभी कोई पद में भी हो गया कांग्रेस कमेटी में? जी, मैं अभी शहर जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हूँ और शाला विकास समिति का मैं अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया हूँ। काल अक्षर की वार्ड में कतक बूथ हुई वहाँ पर? लगभग अभी वर्तमान में नगरी निकाय के चुनाव में 10 बूथ है। कतक मतदाता है? लगभग 14,000 कुछ है, लगभग 15,000 के अंदर में मतदाता हमारे वहाँ पे है। काल अक्षर की जो है जातिवाद और फैक्टर वहाँ पे हवे? नहीं, वहाँ कोई जातिवाद का ऐसा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ क्षेत्र हमारे साहू का बेल्ट है, परंतु क्या है वो सब कांग्रेस में के लोग हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये बात जरूर है कि वहाँ अच्छे प्रत्याशी अगर दिया जाता है तो कांग्रेस की जीत तय है। का मुद्दा रही आप मन के चुनाव में जाहू जनता के बीच में? तो देखिए, हमारा तो प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि जनहित का मामला रहेगा, लोगों को जो सुविधाएं हमको जो प्रदान करना है वो सुविधाएं हमारे प्रमुख रहेगा। जैसे हमारे खेलकूद का मैदान चाहिए हमको, हमारे क्षेत्र में खेलकूद का मैदान नहीं है, हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, हमको कॉलेज चाहिए वहाँ पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है वहाँ पे। और बाकी मूलभूत समस्या है तो वो तो खैर निरंतर चलते रहता है और वो चलता रहेगा। कहीं वो कार्यकाल के बारे में प्रमोद दुबे जी क्या? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है और लोग संतुष्ट हैं और समय समय में सभी कार्य हो रहे हैं वहाँ पे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप मन समय दे हो एक धन्यवाद। मोर साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।